मिला जसप्रीत बुमराह से भी खतरनाक गेंदबाज। अपने डेब्यू मुकाबले में ही 9 विकेट लेकर क्रिकेट जगत में मचा दिया हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कौन सा है वो गेंदबाज जिसने अपने डेब्यू मुकाबले में 9 विकेट चटकाकर रच दिया है सबसे बड़ा इतिहास, बताएंगे उस खतरनाक गेंदबाज के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण की मुख्य कड़ी हैं। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह की गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी से बड़े बल्लेबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि टीम इंडिया को अब जसप्रीत बुमराह से भी एक खतरनाक गेंदबाज मिल गया है। इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 9 विकेट चटकाकर इतिहास रच दिया है। दरअसल भारत के घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ी मानी जाने वाली रणजी ट्रॉफी के 2022-23 सीजन का आगाज हो चुका है, जिसमें एक से बढ़कर एक युवा खिलाड़ी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मणिपुर से आने वाले 16 साल के युवा तेज गेंदबाज फेरोइजाम सिंह ने अपनी तेज गेंदबाजी से सिक्किम के खिलाफ कहर बरपा डाला। पहली पारी में 186 रन पर ऑल आउट होने वाली मणिपुर की तरफ से गेंदबाजी में फेरोइजाम ने 9 विकेट चटकाकर न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया बल्कि सिक्किम को पहली पारी में 220 रनों पर ही रोक दिया। गौरतलब है कि सिक्किम में खेले जाने वाले इस मैच में जब उनकी टीम के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो 58 रन के स्कोर पर कोई विकेट नहीं गिरा था। लेकिन इसके बाद फेरोइजाम ने जब एक बार विकेट लेना शुरू किया तो एक के बाद एक करके बल्लेबाज पवेलियन आते जाते नजर आए। इसका नतीजा यह रहा कि सिक्किम की तरफ से सबसे अधिक 47 रन सुमित ही बना सके, जबकि उनके 3 बल्लेबाज शून्य पर पवेलियन चले गए। इस दौरान फेरोइजाम ने अपने 22 ओवर के स्पेल में 5 मेडन के साथ 69 रन देते हुए कुल 9 विकेट चटकाए हैं, जबकि एक विकेट मणिपुर के रेक्स ने भी चटकाया। जिस तरह से फेरोइजाम ने इस मुकाबले में 9 विकेट लिए हैं, ये तो साफ है कि अगर उनका घरेलू क्रिकेट में ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो जल्द ही उन्हें टीम इंडिया में भी खेलने का मौका मिल सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।